Satabdi Roy. Sir, I rise to support the Trafficking of Persons Prevention, Protection and Rehabilitation Bill 2018. The showcase its commitment to combat human trafficking. We request to Government of India to ensure the following. The new law must safeguard the non-liability of victims of trafficking, empowerment of HSTUC across districts in India, which authority to take the powers to rescue and investigation throughout a case cycle. To rescue, filing the registration of FIR, arrest of signaling evidence, investigation or prosecution. Protocols and funds as coordination in interstate cases of force labor should be made available to support officials, civilian and NGOs, part of interstate transfer, including for loading and food for survivors and their dependents. And adequate police protection should also be ensured in this transfer. Acknowledgement in critical roles of NGOs as support and collaborate the combating trafficking, including labor trafficking and bonded labor. Allocate adequate funding for rescue for enforcement of the new law of trafficking. On May 31, the Walk Free Foundation realized its 2016 Global Slavery Index, which claimed that there were 45.8 million modern slavers around the world, whom 18.3 million were in India. The proposed law does little remove India's shame of modern slavery. It is a photocopy of a Western approach. Madam, मैं standing committee के वजह से दो चार जेल में विजिट किया. वहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेश के लोग मिले, जहाँ पे जेल में बच्चे 6 साल तक उसका माँ के साथ रह सकते, उसके बाद वो नहीं रह सकते. उसी में बहुत सारे माँ मेरे पास आए थे जिसके बच्चे कहाँ हैं अभी, एनजीओ के पास है, कौन एनजीओ के पास है कुछ नहीं मालूम, उनके पास कोई सपोर्ट है नहीं, वो जो आपके पास आ सकते हैं बता सकते हैं. जेल में आप कभी जाएंगे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, 7 साल 10 साल ट्रायल ही हो रहे हैं, ट्रायल हो रहे हैं जिसके कुछ मतलब रिजल्ट हो ही नहीं, वो आपके पास आ भी नहीं सकते. मैं और एक बात बताऊँ, आप सबको मालूम है जो ये इट्स अ वेरी बिग रैकेट. यहाँ पे एनजीओस, होम्स एंड पुलिस भी साथ में जुड़े होते हैं. ये सेवन एक बच्चों को ले आने से 700 मिलते हैं, उनके लिए भी ये सब करते. और मुझे एक बात ये एडाप्टेशन के बारे में मैं बोल सकती हूँ, जो पता नहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है इसमें जो लोग क्राइम करते हैं वो तो निकल जाते हैं दूसरा लाइन से, जो लोग सचमुच अडप्ट करना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पाते इतना फाइल्स इतना रूल्स में. लेकिन बच्चे बड़े हो जाए उसका अडप्टेशन का कुछ मतलब नहीं है. बच्चे जब कितने लोग तरसते हैं बच्चे के लिए ये. और मुझे एक बात बताए, जो जब आ जाएंगे रिहैबिलिटेशन बोल रहे, 5 साल बाद भी घर है या 5 महीने बाद भी घर है, घर उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि सोसाइटी के वजह से. मैं ये मानती हूँ रूल्स लॉ कानून कुछ भी सोसाइटी को बदल नहीं सकते, कुछ चेंज कर सकते, नहीं तो क्राइम भी नहीं होते. इसके बारे में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आपके ये न्यू लॉ के साथ भगवान करे सोसाइटी चेंज हो जाए, बदल हो जाए, जिसके साथ हम लोग इस सोसाइटी में वो लोग को एक्सेप्ट करें जो सचमुच प्रॉब्लम में है. ये सोसाइटी चेंज के लिए हम लोग अपील करते हैं, वी सपोर्ट दिस बिल.